आरबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। ऑनलाइन ठगी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ऑनलाइन ठगी इस समय कोरोना महामारी के बीच भी हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑनलाइन ठग उन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत। आज सच में हम इसी ऑक्सीजन की किल्लत, कोरोना महामारी और ऑनलाइन ठगी के बारे में चर्चा करें। तो ठगों का कोई ईमान नहीं होता, ठगों का कोई धर्म नहीं होता और ठगों की कोई जाति नहीं होती। उनका ईमान और धर्म सिर्फ पैसा ही होता है, पैसा ही उनका भगवान होता है और पैसा ही ईमान होता है, पैसा ही धर्म होता है, यानी कि पैसा ही सब कुछ होता है। आज कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में जिनके घर के लोग कोरोना से संक्रमित हैं, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना एक तरह से जीवनदान देना। आज सरकारें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इसी किल्लत का लाभ उठा रहे हैं ऑनलाइन ठग। वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नंबर डाल दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे और आनन फानन में अपने मरीज को तड़पता हुआ देखकर मरीजों के परिजन उस ऑनलाइन ठगों के चंगुल में फंस जा रहे हैं और हजारों रुपया उनका स्वाहा हो जा रहा है। और ऑक्सीजन मिलना तो दूर, और वह नंबर जिस पे उन्होंने संपर्क किया है वो भी बंद हो जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां कोरोना महामारी के दौर में आ रही हैं। ऑनलाइन ठग ये नहीं समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन ठगों के लिए ये सुनहरा मौका आ गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत भारत में बनी हुई है और ऑक्सीजन के नाम पर लोगों से, पीड़ितों से ठगी हो रही है। इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर इस प्रकार के नंबर दिए गए हो और यह दावा किया जा रहा हो कि ऑनलाइन हम आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे, तो उन दावों पर आप विश्वास न करें। सबसे पहले उसको जांचें और परखें कि क्या ऑनलाइन ऑक्सीजन हमें मिल पाएगा। ऐसा करने से आप अपने मरीज को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ ही आप अपने पैसे लुटाने से बच जाएंगे। वो लूटने वाले ऑनलाइन ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के नंबर डाल रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नंबर डाल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के नाम पर उनसे बातचीत हो रही है, उनके आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, उनका पता मांगा जा रहा है और साथ ही साथ बैंक डिटेल्स भी मांगे जा रहे हैं। आप उनके चंगुल में जो ही फंसते हैं, आपसे पैसे ट्रांसफर करने की बात होती है कि आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, और जो ही आप पैसा ट्रांसफर करते हैं आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि उनका काम तो हो गया, आपको ऑक्सीजन न मिलना था न मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि जो सारे नंबर हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो गलत हैं और ये ठगों द्वारा डाले गए हैं, इसका दावा मैं नहीं करता, नहीं यह सारी न्यूज ऐसा दावा करता है, लेकिन इस प्रकार से ऑक्सीजन लेने से पहले, ऑक्सीजन के लिए पैसे देने से पहले आप उस नंबर को चेक कर तस्दीक कर लें कि क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्या ऐसी स्थिति में हम उनको पैसे दें, क्या पैसे देने के बाद वो ऑक्सीजन हमें मिलेगा। ये पूरी तरह से आप तस्दीक कर लें और तस्दीक करने के बाद ही अगला कदम उठाएं। कुल मिलाकर के स्थितियां ये हैं कि कई लोग इस ठगी के शिकार हो गए और आपको आगाह करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ आप अपने मरीज को लेकर परेशान हैं, उसकी जिंदगी ऑक्सीजन के भरोसे है कि अगर आपको ऑक्सीजन मिल जाता है
तो आपके मरीज की जिंदगी बच जाएगी। और ऐसी स्थिति में लोगों को सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, सिर्फ उनको ये कही बात सोचता है कि किसी भी तरह से हमारे मरीज की जिंदगी बच जाए, और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठा रहे हैं ठग, और ऐसी परिस्थितियों का लाभ उन्हें आप उठाने न दीजिए, क्योंकि एसआरबी न्यूज आपको करता है सजग, आपको एसआरबी न्यूज सजग कर रहा है कि आप किसी प्रकार के इस तरह से अगर जो दावा किया जा रहा है किसी नंबर को दे करके उस पे अगर आपसे बात हो रही है तो पूरी तरह तस्दीक करने के बाद ही आप पैसे ट्रांसफर करें या अगला कदम, क्योंकि इस तरह से कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं, ऑनलाइन ठगों के शिकार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए हैं तो अगर आप मुकदमा दर्ज कराने चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रशासन जो है वो आपको कहां मुकदमा दर्ज करना है इसमें घुमाता रहता है। कारण है इसका, ठगी कहां हुई, ठग कहीं और है, आपने कहीं और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, कहीं और से आपने बात किया है, किस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अगर माल मिले कि किसी थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जहां से आपने बात किया और आसपास के जो थाने हैं चौकियां हैं वहां पर आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उनके पास भी सीमित अधिकार, वो कहां जाएंगे, कैसे पता करेंगे। कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसी भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, और ऑक्सीजन के नाम पर अगर जो आपसे रुपए पैसे मांगे जा रहे हैं और अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करने की बात आ रही है तो आप सबसे पहले उस नंबर को तस्दीक करें और पूरी तरह आश्वस्त होने पर ही अगला कदम उठाएं, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं, सावधानियां आप बरतेंगे आप अपने पैसे को बचाएंगे, सावधानियां आप बरतेंगे आप अपने मरीज को बचाएंगे, वो पैसे आपके मरीज के लिए काम आ सकते हैं। ठगी तो इस तरह से भी हो रहा है, कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जो कोरोना संक्रमण जो मरीज कोरोना से संक्रमित हैं उनके लिए आवश्यक है, उसके लिए भी इस तरह के नंबर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे और ये दावे कर रहे हैं कि हम आपको ये इंजेक्शन ये दवाएं आपको भिजवा देंगे, सुविधा आपकी सुविधा के लिए हम तत्पर हैं, ऐसे ऐसे दावे किए जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा, पता लिया जाएगा और आपसे पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जाएगी। अगर आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो वो दवा ना आपको मिलनी है न मिलेगी, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे कि किसने हमसे संपर्क किया और हमने किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। ये सावधानियां हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन इनको खोज पाने में असमर्थ होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होगी और लंबी चलेगी तब तक आपके पैसे मिलने की कोई संभावना नहीं। अगर आपको अपने मरीज की सुरक्षा करनी है तो आपको अपने पैसे कहां देने हैं कि जिससे मरीज के लिए आवश्यक दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएं, आप अपने पैसे वहां लगाइए। एसआरबी न्यूज आपसे बार बार अनुरोध कर रहा है कि आप इस प्रकार की ठगी के शिकार हो। और अंत में चलते चलते मैं यही कहूंगा, एक बार और आप सबसे निवेदन करूंगा, जिनके परिवार में कोरोना पेशेंट हैं, कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, वो घबराए नहीं। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और इस प्रकार के नंबरों से संपर्क कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैसे भेजने के बाद भी आपको ऑक्सीजन या दवाएं उपलब्ध हो जाए। इसलिए सबसे पहले एसआरबी न्यूज यह अनुरोध करता है कि सबसे पहले आप तस्दीक करें, उसके बाद ही अगला कदम उठाएं, क्योंकि पैसे जरूरी हैं
कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगा ही, आपके पैसे लगेंगे ही, और कोई ठग आपका पैसा लेकर चला जाए और वह आपके मरीज के काम ना आए तो यह सबसे बड़ी दुख की बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।